रामपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर विधानसभा में विकास का रियलिटी चेक करने पहुंची हमारी टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां जाम एक बड़ी समस्या है। लोगों ने हमें यह भी बताया कि यहां हर नेता चुनाव के समय जाम से निजात दिलाने का वादा करता है, लेकिन चुनाव के बाद वादे भुला दिए जाते हैं। यहां के विधायक बलदेव सिंह औलख ने भी जाम से निजात दिलाने का वादा किया था। अनगिनत बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वाहन आते हैं जिसमें कि पशु होते हैं, वो ट्रैफिक जाम कर देते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है शनिवार की पैठ के लिए जो अंदर जाता है मेन रोड से, वहाँ पर जाम लगता है। जब वहाँ जाम लगता तो पूरा शहर ब्लॉक हो जाता। अगर ये जाम लगता तो अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो समझ लो मौत हो जाएगी उसकी, बचेगा नहीं। बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो जाती तो रास्ते में और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है सबको। अरे ये नेताओं की बातें तो ऐसी होती हैं, जब चुनाव आते हैं तो वो वादे कर जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। रामपुर के बिलासपुर में परेशानी सिर्फ जाम और अतिक्रमण की नहीं है। लोगों ने हमें बताया कि सांसद और विधायक के द्वारा यहाँ विकास के कोई काम नहीं कराए गए हैं। ना तो नालियाँ बनवाई गई हैं, ना सड़कें बनवाई गई हैं और ना ही शौचालयों का निर्माण हुआ है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप जनता लगा रही है। नाली टूटी पड़ी, रास्ते सब पड़े, रास्ते में घूरे पड़े हुए हैं, रास्ता निकलने को नहीं है। मंदिर का रास्ता ही बंद कर रखा है, जमीन भी दबा रखी है मंदिर की। कुछ भी नहीं हुआ इस गांव में, तो जो करा है हमारे गांव वालों ने ही करा है, ना किसी प्रधान ने करा है यहाँ विकास, ना किसी और नेता ने करा है। सर, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ जो है सिर्फ नाली टूटी है, सब रोड सब टूटे पड़े हैं, कोई रोड नहीं पड़ा है इस गाँव में, ना कोई नाली बनी, ना शौचालय, कोई ऐसी मदद नहीं मिली इस गाँव को जो कि गाँव की तरक्की हो। ये इमारत देख रहे हैं आप, ये रामपुर के बिलासपुर विधानसभा का सरकारी प्राथमिक स्कूल है, लेकिन इसकी स्थिति यह है कि इसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। लोगों ने हमें बताया कि पहले इसकी बाउंड्री वॉल थी लेकिन टूट गई। स्कूल की चार दीवारी ना होने की वजह से स्कूल में अक्सर चोरियां होती रहती हैं। सर, इस स्कूल में कोई जिम्मेदार नहीं है, जिसे भी आप बताते हैं वो ताले टूटे मिलते हैं रोज आए दिन, लैट्रिन के, बाथरूम के और स्कूल के ताले टूटे मिलते हैं। अब किसे कहो, जिसे हम तो मैडम को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे ताला टूटा मिला, दो बार हमारे भी आंगनवाड़ी के ताले टूटे मिले हैं। अब ये देखिए, गांव वाले तोड़ते हैं या बाहर वाले तोड़ते हैं इसका हमें पता नहीं है कौन तोड़ता है। हम तो आज आए कल आएंगे, कल आए तो ताला टूटा है। बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री कुछ नहीं है, बाउंड्री बनी हुई थी, टूट गई, उसके बाद में किसी ने बनाई नहीं, ईंटें चली गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई ईंटें। उसके बाद में कोई बाउंड्री और ये गंदगी के बारे में कोई नहीं देखता है यहाँ पर।